हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो की शुरुआत भी हो गई है और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्ते और छोटों को ढेर सारा प्यार। आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है मेरे करीब सुबह के 11:30 बजे से और घर के सारे लोग चले गए हैं अपने अपने काम से बाहर। जेठ जी सुबह ड्यूटी चले गए थे और बड़ा बेटा भी कोचिंग जा रखा है, छोटा वाला बेटा लाइब्रेरी जा रखा है और बेटी का मेरा आज पेपर है और बेटे की आज प्रिपरेशन लीव है और दूसरे बेटे के बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसकी भी आज छुट्टी है और सासू जी ऊपर है और मैं अपना काम वाम करके अभी यहाँ पे नीचे बैठी थी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इधर लोकल की मार्केट में, हमारा थोड़ा कुछ काम है तो सिब्बू रहेगा घर पर और हम लोग थोड़ी देर में आएंगे, 1-1.5 घंटे में। तो तब तो अभी बेटी का पेपर छूटेगा मेरा 11:30 बजे, तो वो ना उधर वाले घर में आएगी। हम लोग फिलहाल सभी लोग इधर वाले घर में हैं, अभी हम लोग रेडी हो रहे हैं और फिर और आज इसकी है प्रिपरेशन लीव। तो चल हम अभी आते हैं, ठीक है। हाँ, पढ़ाई करते रहना तब तक जब तक हम आते हैं, ठीक है। ठीक है, रुक जा मैं चलाऊंगी, चल हट जा मैं चलाऊंगी। ये देख मैं खाते खाते, चल हट, उठ मैं जा रहा हूँ। अरे तू पीछे बैठेगा ना, छोड़ दा मैं। तो चलिए जी, हम लोग भी आ गए हैं घर पे और बाकी सभी बच्चे लोग भी घर पे आ गए हैं, तो अब हम उनके लिए लेके आ रखे हैं, सबके लिए फ्रूटी आ रखी है यहाँ पे। नहीं सिब्बू क्या लेके आ रहा है, ये देखो वो भी कुरकुरे का थैला लेके आ गया। दिखा क्या लेके आए, यहाँ देखो। अरे वो ब्रांड की वो मत करो, किसने दिए ये पैसे, बहुत पैसे हैं। ये देखो बर्थडे बॉय है ना, इसका बर्थडे था ना, इसके पास आजकल पैसे हो रखे तो खूब उड़ाने में लगा हुआ है। ये देखो ये सब अपने पैसे से लेके आ रखा है। चलो भाई हम भी पी लेते हैं अपनी फ्रूटी। सोनू कितने सही जा रहे हैं कितने गलत जा रहे हैं। धुआं निकल रहा है। सोनू का था साइंस का पेपर, तो भैया से पूछ रही है कि मेरे कितने सही गए और कितने गलत। तुझे फ्रूटी नहीं पीनी, पिए थे आला। अच्छा पहले फ्रूटी पी ली फटाफट और तब लिम का। वाह वाह वाह। चलो दोस्तों अब मैं लंच बनाने की तैयारी करती हूँ, 1 बज गया है और बच्चों को भूख भी लग गई है, फटाफट से लंच बनाती हूँ। मैं तो आज बना रखी है मैंने लंच में टेस्टी अरहर की दाल और चावल। कम करना तो जो आदमी दुख कम करता है उसको थोड़ा, और साथ में खाएंगे हम उसके साथ रेड देना चाहिए पैसे दही दाल का टेस्ट ना चेंज हो जाता है, मजेदार हो जाती है दाल, वो भी खासकर अरहर की दाल खासकर। चलो दोस्तों अब हम गिटार बजाते हैं यहाँ पे आराम से बैठ के। तो नहीं इधर दे, मौसम अच्छा ना आज का, इना इधर ला मेरे को दे, तू ना कुछ करना है नहीं, ला मैं बजाती हूँ। यहाँ पे ये गिटार मास्टर ये गिटार मास्टर ये हमारा,
तो फ्रेंड्स अभी इवनिंग के हो गए हैं 4:30 और अब मैं बना रही हूँ चाय। चाय पीने का टाइम हो गया है सासू जी का, तो चलो चाय बना लेते हैं फटाफट। तो दोस्तों आज दीदी नहीं दिखी होगी मेरे ब्लॉग में, क्योंकि दीदी ना यहाँ पे नहीं है आजकल। दीदी जा रखे हैं अपनी बहन के घर, क्योंकि दीदी की बहन जा रखी है शादी में, तो दीदी उनके घर की चौकीदारी करने के लिए जा रखे हैं। और दीदी को 2-3 दिन हो गए जाए हुए, तो मैं 3-4 दिन से इधर ही हूँ इस वाले घर में। तो आजकल मेरे ऊपर दोनों घरों की जिम्मेदारियाँ हैं, तो उधर भी जाना पड़ता है और इस वाले घर में भी, तो दोनों घरों की देख रेख इधर और फिर पूरी फैमिली इधर ही है। तो अब मैं जा रही हूँ दूध लेने। दीदी लोगों का दूध का टाइम होता है 5 बजे से पहले पहले, और अभी हो रही है 4:45। कल सासू जी 5 बजे के बाद गए तो हमें दूध ही नहीं मिला, तो अभी मैं आज जा रही हूँ टाइम से 5 बजे के बाद। वहाँ कोई दूध नहीं मिलता, डेयरी है ना तो सभी दूध चला जाता है। तो अभी मैं चाय पी के सीधे दूध लेने के लिए जा रही हूँ। अभी तो बहुत लंबी लाइन लग चुकी है दूध वालों के, और उधर आंटियाँ लोग भी बैठ रखे हैं, और वहाँ से दूध भी निकल रहा है। फ्रेश दूध मिलता है यहाँ से, जैसे निकलता है तुरंत वैसे ही। तो अभी जब इतने लोग ले लेंगे उसके बाद आएगा हमारा नंबर, तब तक हम यहाँ पे बैठ गए। धूप भी इतनी तेज़ हो रही है इसलिए हम साइड में छाया में बैठ रखे हैं यहाँ पे। वालों के ना मुर्गियाँ भी पाल रखे हैं, ये देखो कितने बड़ी मुर्गी है ये। और दूसरी भी आ गई, और वो उधर तीसरी भी है। ये गोबर में से कीड़े खा रहे हैं। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को अपना यहाँ का गार्डन भी दिखा देती हूँ कि आजकल हमारे गार्डन में क्या क्या सब्जियाँ हो रखी हैं। पहले यहाँ पे लगा रखे हैं ये फूल, अच्छे अच्छे फूल खिल रखे हैं। और यहाँ पे ना धनिया है, ये आजकल दाल में सब्जी में डालने के लिए लगा रखा है। ये प्याज, एक क्यारी ये है प्याज की, एक क्यारी उधर है और एक क्यारी इधर है। और उधर एक बार के आलू हमने खा लिए, ये दोबारा आलू लगा रखे हैं। और इधर है लहसुन, और एक क्यारी इधर है प्याज की। और आजकल पानी ना बहुत कम आ रहा है, ये देखो कहीं कहीं पे पानी जा रखा है, कहीं जा ही नहीं रहा पानी। यहाँ बहुत कम आता है, यहाँ पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है। और इसकी गुड़ाई मैंने कल करी थी इस प्याज की, और उसके बाद हमने यहाँ पे पानी डाला था। और कल हमने ना ये प्याज के पत्तों की सब्जी बनाई थी। आजकल प्याज के पत्तों की सब्जियाँ खा रहे हैं हम आजकल। अभी ये मुलायम मुलायम पत्ते हैं ना, तो आजकल इनकी सब्जी बहुत टेस्टी होती है। प्याज के पत्तों की रोटियाँ भी अच्छी होती हैं। और ये देखो, तो ये रही हमारे गार्डन की सब्जियाँ। आजकल हमारे गार्डन में प्याज ही प्याज हो रखा है। और ये मूली का पेड़ है, ये बीज के लिए है। मूलियाँ भी अब ख़त्म हो गई हैं और ये बीज की मूली है। एक पेड़ ये है बीज के लिए। और इधर भी मैंने ये गुड़ाई करी थी, लेकिन अभी यहाँ पे पानी नहीं डाला, पानी आ ही नहीं रहा है यहाँ। और यहाँ पर सोनू और अंशु खेलने लग गए बैडमिंटन। अभी मैं छत पे आ गई हूँ, और साथ में यहाँ पे सिब्बू भी है, घूम रहा है। और काफ़ी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और अब थोड़ा थोड़ा ना गर्म होने भी लग गई है, क्योंकि अब गर्मी का टाइम तो आने वाला है वैसे भी। तो अब थोड़ा थोड़ा गर्मी लगने लग गई है, और दिन भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। अभी 7:45 हो गई है, लेकिन अभी काफ़ी उजाला है। और यहाँ से ना चारों तरफ का नज़ारा इतना अच्छा दिखता है, इस घर से हमारे चारों तरफ का व्यू इतना सुंदर दिखाई देता है। तो मैं एक बार आप लोगों को बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। डाली डाली फूलों की,
मुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। वहाँ पटाखे में पटाखे फूटे जा रहे हैं। पिजोरे मेरे पहाड़ को, और सिब्बू यहाँ पे गाने सुनने में मस्त हो रखा है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं सुमन रावत मिलती हूँ अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड।